मुझे मानू और मुझे इंतजार है हथ मेरी यो सब। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनीशा रिएक्स। कैसे हैं जी? उम्मीद है सारे ठीक ठाक होंगे। और जी, कोक स्टूडियो 15 पाकिस्तान से जी एक गाना आया है जिसका नाम है आई आई, और ये फर्स्ट सॉन्ग आया है। और इसको जो गाने हैं वो हैं जी नौमान अली राजपर एक्स मारवी साहिबान एक्स बाबर मंगी, ठीक है। और ये जो ज़बान है वो है जी सिंधी। और जितने भी मेरे इंडिया के सब्सक्राइबर हैं, ये मैं उनको बता रही हूँ, जो पाकिस्तान के हैं उनको तो ये पता होगा। तो चलें जी, पहले देख लेते हैं, सुन लेते हैं, उसके बाद जी करते हैं डिस्कशन। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इंस्टाग्राम अनीशा ऑफिशियल पे अभी इसी वक्त आ जाएं, बहुत मज़ा आने वाला है आपको, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स गो। सीज़न 15। एक पाँव में कुछ पहना हुआ है। ओ, ट्रेडिशनल पूरा है यार, अंदरूने सिंध का शायद है ये सिस्टम। पूरी चूड़ियाँ ऊपर तक पहनी है और वाओ, ब्यूटीफुल ड्रेस, ओ माय गॉड। फ्लावर्स, कोक स्टूडियो, माय गॉड, ये सिंधी चादर है जो हाथ से बनाई जाती है। रंगोली आई आई, ये क्या चीज है? छा करणो नाए तू छो तो बुदाई जोर जी मेहंदी लगंदी नाए छा करणो आहे मुखे छा नाए तू छो बुदाई मुझे लाए जडे ताड़ी न बजाए तुझे हालते सवाल ते गाल छा कजे गड सफर में जो मां हो जा तबियो नाल छा कजे मुझे मानू और मुझे इंतजार में हथ मेरी युवा सब एतमाद में जी हो जे मालो खटिया एक रात में सजो संसार के दिख इंसान ने हल हाने कर पे जो कमा छा जो इंतजार आ सरियो आ काफलो जा दुख मिल्या पर कड तू मन मबा केंजी ने मजा आ हण पे जो थमाल सही मां कंदो गाल लख जी आजकल जी कामयाबी ही कई दक जी हां एडी वडाई बकेरे कम जी पवन में बैठो तू आसमान चुमंदे जरे भी थिनी ड्रॉप छा जो जुमंदे पंजे जे से के ते लाड़काण घुमंदे गबल के बोड़े ओतई पानी के बोड़े ओतई तो के ये मोटंदे दिसी जे ती सारी खुदाई आई 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 मानु पटते किया सुमा से स्टेमा तो उंधाई वैली मुझो राणल पोतो परसाई वैली बनारस जिनखे तो उंधाई वैली मुझो राणल पोतो
जबरदस्त मजा आ गया यार, वाओ सुपर्ब, मतलब इतना जबरदस्त गाना है यार, इतना कोई मजा आया है, मतलब बंदा कहता है ये सुनने और देखने दोनों में बहुत अच्छा है। ट्रेडिशनल दिखाया है, फोक स्टाइल दिखाया है, छोटी छोटी बातों का जो है ख्याल रखा गया है, गाना बहुत अच्छा है, लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, म्यूजिक बहुत अच्छा है, और जो सबसे मेन चीज है ऐसा लग रहा है बहुत हर कोई बंदा जो है दिल से इसको जो है गा रहा है और दिल से एक्ट कर रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे कि सबका इंट्रोडक्शन दिया गया, जितनी लेडीज आई हैं उनके जो झुमके हैं, उनकी जो ड्रेसिंग है, जो उनकी ज्वेलरी है और जो स्वैग है उनका, जो वो गाना गा रही थी, माई गॉड, और जो सिंगर है उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, और मैंने सुना है कि इन्होंने जो म्यूज़िक है सिन के अंदर उसको जो है ना वो अच्छे स्टाइल में इंट्रोड्यूस किया है, और ये उस टाइम पे कोई इनको हेल्प नहीं थी, फिर भी इन्होंने ख़ुद से जो है गाना गाते थे बगैर किसी, मतलब उसके ना जब बंदा स्टार्ट लेता है उसे कोई हेल्प नहीं मिलती उस तरह से, कुछ लोग होते हैं जिनको स्टार्टिंग से ही बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, और इतना मुझे मज़ा आया इस पूरे उसमें। अच्छा सिंधी मुझे आती है बट इतनी भी नहीं आती, क्योंकि हमारे जो है कोर्स में है, कोर्स में थी जब हम स्कूल पढ़ते थे सिंध के अंदर, यानी कि जो जो कराची के स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे जो है ना सिंधी पढ़ते हैं, कंपलसरी है, तो वो मैं हमने जो है पढ़ी है, तो उस हिसाब से मुझे आती है, लेकिन कुछ अल्फाज बहुत मुश्किल थे, लेकिन ओवरऑल गाना बेस्ट है, देखने में बहुत अच्छा है, और जब वो मोर की एंट्री होती है ख़ास तौर पे इनके ड्रेसेस पे, तो यार मैं फिदा हो गई हूँ, क्योंकि सिंध की चादरें मैंने जब भी बाय रोड जाती हूँ तो लेती हूँ हाथ से बना के, एक तो उनके ऊपर काम होता है, दूसरा वो जो है पीसेस को जोड़ जोड़ के ना हाथ से बना रहे होते हैं, और बहुत सारी ऐसी चादरें वाले ऐसी जो है कुशंस वगैरह मेरे पास हैं, रिलियाँ जो होती हैं जो नीचे बिछाते हैं, इनका ट्रेडिशन होता है, और ये चूड़ियों वाला शायद सिंध के अंदर कोई ऐसी जगह है, जब मैं बाय रोड जाती हूँ तो मैंने देखा है लेडीज़ जो घूंघट में होती हैं और उन्होंने चूड़ियाँ यहाँ तक पूरा जो है पहना, चूड़ा कहते हैं शायद पहना होता है वो, इसमें हमने देखा दीवार के ऊपर जो है मिट्टी लगा रहे हैं, उसके ऊपर कुछ हाथ से काम हो रहा है, ये भी इनका होगा ट्रेडिशन, और ये बहुत खूबसूरत है। जो लोग नहीं जानते पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसी चीज़ों को, तो ये गाना बताएगा कि यार ये सब चीज़ें हैं, और रंगोली जैसे कि वो अपने जो है फर्श के ऊपर ना बना रहे हैं, पहले के लोग जो है ना वो हाथ से खूबसूरती से दीवारों पे और ना उनके फर्श के ऊपर जो है बना होता था, हो सकता है अभी भी ऐसा हो, पर यार बहुत मज़ा आया। आप लोग मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा, और इसमें सबसे ज़्यादा स्पेशल अपीयरेंस मुझे मोर की थी, जैसे वो आराम से आता है फिर आखिर में वो पानी पीता है, और मुझे मैंने ये भी जो है पढ़ा था ये किसी स्टोरी के ऊपर है, जो उनकी एक स्टोरी है उसके ऊपर था, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, जैसे कि लव स्टोरीज़ होती हैं ना उस तरह से, और इनकी जो है कोटियाँ जो मैं कहूँगी स्पेशली जब वो, अच्छा एक और चीज़ बहुत जो बिल्कुल क्योंकि हम लोग जो है रिएक्शन कर रहे होते हैं, जो चीज़ दिमाग में फ़ौरन से आती है फ़ौरन बोल लेते हैं, तो एक चीज़ जो रह गई वो ये है कि जैसे वो एंट्री होती है ना रैपर की, यार वो बिल्कुल चारपाई के ऊपर लोग उसे लेके आ रहे हो वाइट जो है ना पूरे पगड़े पहने हुए और जो है ड्रेस, और वो जी मज़े से गा रहे, बहुत मज़ा आया मुझे देखकर, हर चीज़ परफेक्ट थी, हर चीज़ मतलब बहुत
डिटेल से बताई हुई थी, बहुत खूबसूरत। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये गाना कैसा लगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। जितने भी मेरे इंडिया के सब्सक्राइबर हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके जी, बाय बाय।